नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पीएम में फॉरगेट पासवर्ड कैसे करें? अगर आपने पासवर्ड भूल गया या आपके मोबाइल नंबर खो गया तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए आपको ध्यान रखना है, आपके मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में लिंक नहीं है आपके मोबाइल नंबर तो नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर नहीं है मोबाइल नंबर तो क्या करना है, आपके आधार सेंटर जाके पहले आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लेना है आधार कार्ड में, नहीं तो आप नहीं करा सकते हो। फॉरगेट पासवर्ड आप नया जो अपडेट आया ये आप नहीं कर सकते हो। पहले था जो पैन कार्ड देके और आधार कार्ड दोनों में कोई भी सिलेक्ट करके आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते थे। अभी जो आ गया आपको फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए जो ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी में ओटीपी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैंने अभी ए टू जेड आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ कैसे करना है फॉरगेट पासवर्ड, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सिर्फ ये अपडेट आया सिक्योरिटी रीजन के वजह से, कोई भी मोबाइल नंबर पहले रजिस्टर कर सकते थे लेकिन अभी जो नया अपडेट आया इस रीजन से आप कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं कर सकते आदर्श मोबाइल नंबर, सिर्फ सिक्योरिटी रीजन के वजह से। अब मैंने कैसे करना है ए टू जेड मैंने आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपके मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है epfindia.gov.in। उसके बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद इस पेज को हटाने के लिए साइड में आपको क्लिक करना है। मैं साइड में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, इस पर जाना है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, आपको इस पर जाना है। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, इस वाले पेज आपको जाना है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। थ्री डॉट भी आपको दिख सकता है, नहीं तो ऐसे निशान भी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में आपको पहले कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। अब अपने यूएन अकाउंट लॉगिन करने के लिए यहाँ पे पासपोर्ट, यूएन नंबर और ये जो कैप्चर है इस पर डाल के आपको साइन इन करना होता था। अगर आप भूल गए आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉरगेट पासपोर्ट में जाना है, ठीक है। फॉरगेट पासपोर्ट में गया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले अपने यूएन नंबर डाल लेना है और ये जो कैप्चर आपको दिख रहा है इस वाले नीचे वाले बॉक्स में डालना है। उसके बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यूएन नंबर और कैप्चर यहाँ पे सबमिट, मैं इसमें भर लेता हूँ पूरे डिटेल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने डिटेल्स फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपके नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपको चार पेज भरना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके पास यही मोबाइल नंबर है तो आपको यस कर देना है, ठीक है, वो जल्दी हो जाएगा। अगर आपने मोबाइल नंबर आपके भूल गया है, याद नहीं है मोबाइल नंबर आपके खो गया, तो आपको क्या करना है नो में क्लिक करना है, ठीक है। मैं नो में क्लिक कर देता हूँ। नो में क्लिक करने का आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पे क्या क्या फिल करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके नाम डालना है, आपके डेट ऑफ बर्थ और आप मेल फीमेल या आदर्श, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है। आपको ध्यान रखना है आपके पीएफ अकाउंट में जो डिटेल्स फिल है आपको वही डालना है, कोई गलत नहीं डालना है, क्योंकि आगे जाके आगे पेज भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आधार कार्ड में भी आपके वही नाम होना चाहिए, आपके पीएफ अकाउंट में जो नाम है आधार कार्ड में भी वही सेम नाम होना चाहिए, पूरे डिटेल्स आपको सेम होना चाहिए आधार कार्ड के साथ साथ, ठीक है। आधार कार्ड में जो डिटेल्स है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मैं डिटेल्स पहले फिल कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने नाम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और मेल डाल दिया। उसके बाद मैं वेरीफाई में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसमें अब हो गया नेक्स्ट पेज ओपन, ठीक है। हमारे कितना पेज हो गया, ये फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकेंड पेज हो गया, उसके बाद हमारे थर्ड पेज आ गया, ठीक है। आपको और भी पेज आगे भरना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आधार नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कैप्चर दिख रहा है ये वाले नीचे वाले बॉक्स में डाल लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, वेरीफाई में क्लिक करना है। आपको सही सही डालना है, कोई गलत नहीं डालना है। मैं पहले फिल कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने आधार नंबर डाल दिया, ये वाले कैप्चर भी डाल दिया। उसके बाद मैं वेरीफाई में क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स मैच हो गया। अगर डिटेल्स मैच नहीं होता तो यहाँ पे रेड कलर आ जाता, आपके आगे बढ़ने की पेज ओपन नहीं होता। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मैं गलत मोबाइल नंबर आपको डाल के दिखा देता हूँ, ये आगे नहीं बढ़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो दूसरा मोबाइल नंबर है मैं यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास ओटीपी आ गया, लेकिन जो ओटीपी आया यहाँ पर ओटीपी डाल के आगे बढ़ने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है, अगर आपने वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल नहीं किया
लेकिन आपके लिए ये वाले ऑप्शन नहीं आएगा, ओटीपी डाल के आपको सबमिट करना है, नहीं तो आगे पेज नहीं बढ़ेगा, आपके सबमिट नहीं होगा आपके यूएन नंबर पे, आपके पासपोर्ट बनाने का ऑप्शन आगे नहीं आएगा, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने सही मोबाइल नंबर डाल के अभी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो मैंने सही मोबाइल नंबर डाल दिया, जो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वही वाले मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दिया, उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ओटीपी डालने का, मैंने अभी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो हमारे ओटीपी डालने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या करना है, आपको वेरीफाई कर देना है। मैं पहले ओटीपी जो आया मैंने ओटीपी डाल लेता हूँ, पहले पे देख सकते हो हमारे पास जो ये जो कैप्चर है इस पर डाल दिया, उसके बाद ये जो ओटीपी आया हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर एक्टिवेट है उसी मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया वो वाले ओटीपी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक कर देता हूँ, वेरीफाई में क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन होता है, आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपके यहाँ पे न्यू पासपोर्ट डाल लेना है, आपके हिसाब से आपको कैसे डालना है, कुछ बड़ा डिजिट, कुछ छोटा डिजिट, कुछ आपके @*+#, आपको ऐसे ही डालना है, कुछ डिजिट डाल लेना है या पहले डिजिट डाल लेना है उसके बाद आपको *#, आपको डाल लेना है। यहाँ पे कई बार चेंज भी हो जाता है, कभी कभार पहले भी नहीं लेता है, बीच में *#+-, आप कुछ भी डाल सकते हो परसेंटेज, कभी कभार वो लास्ट में भी लेता है, ये थोड़ा सा अपडेट हो चलते रहता है, आपको इसी तरीके से आपको करना है। ये था पूरे प्रोसेस। अगर आपके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर एक्टिवेट नहीं है तो जाके आप आधार सेंटर में जाके जल्दी करा लीजिए, तभी जाके आप इसमें फॉरगेट पासपोर्ट करा सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। दोस्तों इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।